लगभग हमारे देश की जो मानसून की बारिश है वो लगभग लास्ट हो चुकी है, और आप अक्टूबर माह में कौन सी सब्जी लगाएं नंबर वन पे वो रहेगी। आज मैं आप सबको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि अक्टूबर महीने में कौन सी सब्जी लगाएं। तो आप परवल लगा सकते हैं किसान भाइयों, और कौन सी प्रजाति की लगानी है मैं तीन वैरायटियों के नाम बताऊँगा जो बम्फर पैदावार रहती है। स्वागत है आप सभी का, मैं श्रवण कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मौर्य चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो किसान हमारे नए देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि मैं जितनी वीडियो छोड़ूँ तुरंत आप सबके मोबाइल पर पहुँचे। दोस्तों, हमारे देश में जो परवर की खेती की जाती है वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार कौन सी होती है आज सब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा कि आप कौन सी प्रजाति का खेतों में चयन कर सकते हैं, अगर लगा रहे हैं तो किस विधि से लगाएं ताकि आपकी जो परवर की खेती रहे वो कम ना होने पाए। हमारे देश में जो परवर रहती है वो सब्जियों में सबसे अच्छा महत्व उसमें होता है, और शादी विवाह जब पड़ जाता है लोगों के पास तो फिर उन्हीं सब्जी का सहारा लेकर के और सब्जी बनवाते हैं, इसलिए परवर की सब्जी सबसे अहम मानी जाती है। दोस्तों, जब शादियों का सीज़न आता है तो ये लगभग 100 रुपये केजी 80 रुपये केजी निकल जाता है आपकी परवर जो, और मंडियों में इसका अच्छा रेट मिल जाता है और ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। तो आपको परवर किस तरह से लगाना है मैं आप सबको बताऊँगा। दोस्तों, आप परवर ऐसे ला सकते हैं, इसका पौधा ला सकते हैं, अगर आपके वहाँ पर नहीं उपलब्ध है तो कोई बड़े किसान से मिल करके और आप जो पौधे हैं परवर की उसको ला करके और लगभग आप 1 फुट का काट लीजिए। 1 फुट काटने के बाद आप 2 फुट पर लगा दीजिए लाइन से, जिस तरह से आप बैंगन लगाते हैं इस तरह से आप उसकी रोपाई करके और आप लगा सकते हैं। पौधे को ला करके और इतना इतना आप काट लीजिए, काटने के बाद इतना आपको ज़मीन में लगा देना है, और जो दूरी रहेगी लगभग 1.5 फुट पे रहेगी, और जो मेरी चौड़ाई की दूरी रहेगी लगभग वो 5 फुट पे आपको रखना है ताकि आप मचान बना सकें। अगर मचान विधि से लगाते हैं तो ऊपर आपकी पौधे हो जाएंगे और आपका जो फल रहेगा फ्लावर का वो बहुत अच्छा रहेगा, और उसमें कोई जैसे उजलापन या पीलापन कोई उसमें नहीं आएगा और न पकने की ज़्यादा समस्या रहेगी। अब मैं वैरायटी, लेकिन आपको ध्यान रहे, आप परवर लगाएं उससे पहले आप खेतों में धनिया बो सकते हैं, धनिया बोवाई करके और आप परवर की खेती कर सकते हैं उसमें। अगर आपकी धनिया 2 महीने के हो जाएगी फिर आप हार्वेस्टिंग करके और मंडियों में भेज सकते हैं। इसके बाद में आप परवर की निराई गुड़ाई कर सकते हैं, खाद की मात्रा लगा सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और मैं आपकी अब प्रजातियों के बारे में बता दूं कि आपको कौन सी प्रजाति का इस्तेमाल यानी चयन करना है। दोस्तों, आपके शहर में या देहात में जो भी वैरायटी की मिलती है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी वैरायटी के बारे में बताऊंगा कि आप उसका चयन करें तो आपको और अच्छा रहेगा। आप रॉयल 0065 के नाम से आती है वो प्रजाति आप लगा सकते हैं। इसके बाद में सुजाता के नाम से आती है, जो रॉयल की जो मेरी रहती है वो छोटी छोटी होती है, उसका आपको अच्छा रेट मिल जाएगा और बम्फर पैदावार रहती है। और एक सुजाता के नाम से आती है वो आप लगा सकते हैं, एक रॉयल के नाम से आती है 0532, इसको आप लगा करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये ऐसी फसल होती है दोस्तों, लगभग 8 महीने तक आपको रुपए ही रुपए दे करके जाएगी। शादियों में इसका महत्व ज़्यादा रहता है और किसान लोग इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करने के लिए ले जाते हैं। आप सब जानते होंगे कि गर्मियों में केवल टमाटर या परवर की ही सब्ज़ी ज़्यादा उपलब्ध रहती है और कोई उतना सब्ज़ी शादियों में नहीं चलने पाता है, इसलिए आप सब परवर की खेती ज़रूर करें जो मैं तरीके से बताया हूं। और मैं दोस्तों आप सबको लाइव दिखा दूंगा जब मैं लगाऊंगा, 10 दिन के बाद लगाना है मुझे, जब मैं लगाऊंगा तो किस तरह से लगाना है आप सबको लाइव दिखा दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटे को दबा लें ताकि मैं जब लाइव वीडियो दिखाऊँ तो तुरंत आप सबके मोबाइल पर पहुँच जाए। दोस्तों, आप मैं
पावर के नाम से आती है, 52-52, उसका आप अगर प्रजाति पा जाते हैं तो आप उसका चयन कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी प्रजाति की रहती है, बम्फर पैदावार में रहती है। और दोस्तों, इस समय जो मानसून है हमारा या तापमान है, अब इसका वक्त आ चुका है कि आप अक्टूबर महीने में परवर की खेती ज़रूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।